press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एसआरजी टेक वर्ल्ड पर, जहां पे मैं आपके लिए ढेर सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं। और दोस्तों, यूट्यूब की दुनिया से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मैं आपको देना चाहता हूं। आप सभी लोगों को पता चल भी गई होगी और नहीं भी पता चली है तो मैं इसे पूरी तरीके से रिवील करने वाला हूं, और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यूट्यूब से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसकी वीडियोज़ को लगातार जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई YouTube ने एक बड़ी अपडेट जारी की है अपने YouTube क्रिएटर्स के लिए। और आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 6 महीने से मैं इस चीज़ को देख रहा हूं कि YouTube कुछ बेहतर करना चाहता है अपने क्रिएटर्स के लिए, ताकि उनकी जो है कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए। और अभी फिलहाल उसने इसी सीरीज़ में एक बड़ा फैसला लिया है जो आपके डेस्कटॉप पर दिख भी रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, आपके पास ईमेल भी आया होगा। अगर नहीं आया तो इसको मैं पूरी तरीके से डिटेल में आपको समझाता हूं। दोस्तों, जो आप अभी तक जो क्रिएटर ऐप यूज़ कर रहे थे, जो आप डेस्कटॉप पे जो वेबसाइट खुलती है आपके यूट्यूब क्रिएटर की, वो फिलहाल आपका बंद हो के वहाँ पर एक ऊपर ऑप्शन आता है यूट्यूब स्टूडियो बेटा का, यानी कि वो अब बेटा वर्जन ना रहकर एक आपका डिफ़ॉल्ट जो है होम पेज बनने वाला है। और अगर आपने इसको यूज़ किया होगा तो आप देखिएगा उसकी ग्राफिक्स को और उनकी चीज़ों को। और अभी तक तो वो एक ट्रायल भी चल रहा था कि लोगों को कैसा पसंद आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल YouTube ने कह दिया है कि भाई अब जो पुराना आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे डेस्कटॉप वर्जन, वो पूरी तरीके से हम बंद कर रहे हैं और उसकी जगह एक नया वर्जन ला रहे हैं जो कि आपका YT स्टूडियो या YouTube क्रिएटर स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। और उसका ट्रायल वर्जन तो पहले से ही अवेलेबल है, काफ़ी पहले से आ रहा है, लेकिन अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका बनने वाला है। और मुझे तो खास तौर पर आदत है जो है उसके जो पुरानी वेबसाइट पर काम करने की, मैं उसी पर काम करता हूँ, मैंने उसका बेटा वर्जन ज़्यादा यूज़ किया नहीं है क्रिएटर वर्जन। तो अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा खुद से डर लगने लगा कि किस तरह से मैनेज होगा ये सब, क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग, उसके ग्राफिक्स अलग हैं, उसमें काम करने का तरीका अलग है। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा और आप जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेट भी कर लीजिए, क्योंकि जब वो बंद ही हो जाएगा पुराना तो फिर आपको इस पर आदत बनानी पड़ेगी। तो अभी से क्यों ना वो आदत जो है शुरू कर दीजिए अपने उसके नए वर्जन पर काम करने की, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, मुझे तो ऐसा लगता है कम से कम। लेकिन जो बात आ रही है, अगर हम एक फ्लो की बात करें तो जो हाथों का मूवमेंट होता है, जो दिमाग जो बोलता है, वो फटाफट इसी पे ज़्यादा तेज़ी से चलता है। तो एक बड़ा चेंज जो है YouTube ने ये कर दिया है। और एक बड़ा चेंज और सुनने में ये आ रहा है कि भाई अभी तक जो नए चैनल आ रहे थे YouTube पे, उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, यानी कि वो जो चैनल होते थे उनको लोग प्रमोट नहीं करते थे, उनकी वीडियोस जो है कहीं ना कहीं दब जाती थी। कंटेंट अच्छा होता था तब भी उनकी वीडियोस को लोग ज़्यादा नहीं देखते थे। तो YouTube उनकी वीडियोस को प्रमोट करने वाला है, कैसे करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ करने वाला है, ऐसा मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है। लेकिन जो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका ये YouTube क्रिएटर वाला, कि ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है होम पेज बनने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए और आदत बना लीजिए इस पर काम करने की। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या यूट्यूब के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।